स्टेज वन जहां पर कि आपको जरूरत होती है लिस्ट इनविटेशन मैं करूंगा, थैंक यू सो मच। वहां पर कि हमारे को ना हमारी जो स्टेज वन होती है उस स्टेज पे हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो है लिस्ट बनाना। अब हम लिस्ट बनाने के टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि यार लिस्ट तो है ही क्या, मेरे को तो याद है मैंने किस किस लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाना है। राजू को बोलना है, मोनू को बोलना है, सोनू को बोलना है, उनको तो एक आवाज दे दूंगा और वो मेरे साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन लिस्ट ये नहीं है। लिस्ट क्या होता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कि 25 या 30 लोगों को भी सेमिनार में लेकर आते हैं लेकिन उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होती, और कुछ लोग ना अपनी अपलाइन के साथ में बैठ के लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट को बनाने में सिर्फ नाम, कि अगर मैं बात करूं कि वीरेंद्र सिंह खुशवा, ये बहुत नहीं है। वीरेंद्र सिंह खुशवा के साथ में कुछ चीजें और बहुत जरूरी होती हैं जो कि उस लिस्ट में लिखना जरूरी होता है कि वीरेंद्र सिंह खुशवा ये आर्मी में अपनी जॉब करते हैं, 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, इनके परिवार में ये हैं और इनके 3 बच्चे हैं, और इनकी इन जो डिसीजन है ये इन्होंने खुद लेना है। हो सकता है कि ये और इनकी वाइफ हर चीज में मिलके काम करते हो तो उनका वाइफ का साथ में वो करना है। और जब आप ये लिस्ट बना के अपनी अपलाइन के साथ बैठते हैं, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि मैं सबसे पहले किसको लेकर आऊं, मैं सबसे पहले किसको लेकर आऊं, सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं तो फर्क क्या पड़ जाता है बताऊं। कि अगर आप अपने दिमाग से चलते हैं तो ऐसा भी मैंने देखा है कि 20 गेस्ट आए लेकिन ज्वाइनिंग एक भी नहीं आई, और ऐसा भी मैंने देखा है कि लिस्ट आपने अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बनाई, उनके साथ डिस्कस किया कि सबसे पहले मैं किसको लेकर आऊं, तो पहले दो लोग और पहली दो सेल्स, मैंने ऐसा भी देखा है। हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत अकलमंद हूं, और जहां पर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं वहीं पर हमसे गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो लिस्ट आपने कैसे बनानी है ये हमारी बिजनेस बाइबल में भी है, और आपने अपलाइन के साथ बैठ के बनाना है, और किसको आपने सबसे पहले लेकर आना है ये डिस्कशन के बाद लेकर आना है। दूसरी चीज प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग को समझना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग है क्या कि हम जाकर क्या करते हैं कि जब हम सिक्योरलाइफ बिजनेस में आते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है हमारे अंदर, और इस एक्साइटमेंट में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, और वो गलतियां क्या होती हैं कि खुद ज्यादा बोलना और अगले की कम सुनना। लेकिन अगर हम उसके बदले में सिर्फ इतना करना शुरू कर दें कि हम जाकर उनके हालात के बारे में, जो हमारे गेस्ट हैं जिनको कि हमने सेमिनार में लेकर आना है, अगर हम उनके साथ जाके ये बातें करना शुरू करेंगे ना, थोड़ी देर अगर हम चाय पीने जाएंगे तो वहां पे जाके अगर आप देखेंगे कि खुशवा जी की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, उनकी सैलरी तो 10,000 रुपए है लेकिन क्या 10,000 रुपए में सेटिस्फाइड हैं? नहीं। क्या कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं? अगर आज उनके पास स्कूटर है तो क्या वो कार लेना चाहते हैं? और उनकी कुछ नहीं सुनते, उनके हालात नहीं देखते, सिर्फ अपना ही राग गाना शुरू कर देते हैं तो यही बिजनेस आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरा फॉलोअप्स, ये वो टाइम होता है फ्रेशर लेवल पे जब आपके जो गेस्ट होते हैं उनको कई सारे फॉलोअप्स की जरूरत होती है। फॉलोअप्स होता क्या है, डिटेल्स में तो जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स है वो आपको वहां पता चलेगा, लेकिन मैं छोटा सा ही बताऊंगा कि फॉलोअप्स है कि कई बार सेमिनार देखने के बाद गेस्ट उसी टाइम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं, उनको फॉलोअप चाहिए होते हैं, यानी कि बार 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 मुलाकात मीटिंग चाहिए होती हैं, और वो मीटिंग्स आपको अकेले नहीं करनी है। जब आप फ्रेशर लेवल पे हैं आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि हर चीज का जवाब आप खुद दे पाए, आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि अगर उनकी जो इंक्वायरीज हैं उनको आप क्लियर कर पाए, लेकिन अगर उसके साथ में आपके अपलाइन हैं जिनको कि इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जिनको पता है कि हर सवाल का जवाब क्या है, अगर वो आपके साथ में है, आपकी टीम अप्लाइंस की टीम आपके साथ में है, तो ये बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, जो इस बिजनेस में नए होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत कैपेबल हूं, मैं इस बिजनेस को अकेले करके दिखाऊंगा, वो अक्सर फेल हो जाते हैं। और जो इस बिजनेस में ये सोचते हैं कि अगर मेरे
जो कि मैं और वो इकट्ठे ज्वाइन हुए थे इस बिजनेस में। मैंने हमेशा अपने डायरेक्टर्स की बात समझी, उनको माना और उनके कहे पे चला। लेकिन हमेशा मेरे कजन की सोच ये थी कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं तो हर चीज में फर्स्ट आया हूं, तो ये तो है ही क्या, सिर्फ दो चार लोगों को ज्वाइन करवाना है। और जो ये सोचते हैं वही इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। सबसे जरूरी चीज स्टेज वन के ऊपर रिपोर्टिंग, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ भी करके आए, आज आपने किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करी, आपने किसी का फॉलोअप करा, आपने लिस्ट बनाई, या आपने कुछ भी करा, कुछ भी आपने अपनी अपलाइन को वो रिपोर्टिंग जरूर करनी है, ताकि आपको पता चल सके कि आज का काम मैंने ठीक किया या गलत करा। और अगर मैंने गलत करा तो इसको मैंने ठीक कैसे करना है, और अगर मैंने ठीक करा तो शाबाशी मिलेगी। आपको रोज अगर ये पता चल जाए कि क्या मैंने अपना काम ठीक करा या गलत करा, तो इससे अच्छी बात ही क्या है। दोस्तों, दूसरे बिजनेस हमारे दुनिया में जो भी है, वहां पर आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि क्या आप ठीक कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस की ताकत यही है कि यहाँ पे आपकी अपलाइन है आपको बताने के लिए, आपका साथ देने के लिए। अगर आप उनका साथ नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप उनका साथ लेते हैं तो कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका साथ लेते हैं या नहीं लेते। ये तो होता है स्टेज वन। इसके बाद होती है स्टेज टू। स्टेज टू सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेज टू। अक्सर लोग जो इस बिजनेस में आते हैं ना, वो चार पांच लोगों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये सोचते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या सोचते हैं? कि मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन काम खत्म नहीं होता, काम एक्चुअल में शुरू होता है। क्या दो लोगों को या चार लोगों को ज्वाइन करवाना ही स्क्योर बिजनेस है? नहीं, उन लोगों को आगे बढ़ाना हमारा एक्चुअल बिजनेस है। नेटवर्किंग वहां से शुरू होती है, वहां से नेटवर्किंग शुरू होती है। और नेटवर्किंग की असली जो चीज है, जो ताकत है, जहां से आपकी नेटवर्किंग शुरू होती है, वो है प्रमोशन। प्रमोशन क्या चीज है ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं। दोस्तों, योगा तो हम सबने सुना होगा, कितने लोग ये योगा करते हैं? योगा की कोई भी एक्सरसाइज कभी करी है? प्लीज हाथ खड़ा करें। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं हाथ खड़ा करेंगे? कोई भी एक्सरसाइज, वॉक पे जाते हैं, जिम जाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं हाथ खड़ा करेंगे? यार बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, बड़ी कमाल की बात है, करनी चाहिए। चलिए, एक योग गुरु है, कौन है जानते हैं? क्या नाम है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को हर कोई जानता है आज, योग की, जहां योगा की बात आती है, जहां योग की बात आती है, योग गुरु की बात आती है, वहां पे बाबा रामदेव जी का नाम एकदम आगे खड़ा हो जाता है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, योगा कितने साल पुराना है? 5000 साल। कितना पुराना है? मैं पीछे से चाहता हूं, ऊपर से जवाब चाहता हूं, कितने साल पुराना है? सदियों पुराना, कोई 1000 साल नहीं, 10000 साल नहीं, 50000 साल भी हो गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं, सदियों पुराना है। और बाबा रामदेव जी की उम्र क्या होगी? कोई 55 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, तो कोई 60 कह रहा है, इतनी ही होगी। 50 नहीं तो 55, और 55 नहीं तो 60। लेकिन योगा तो है 50000 साल पुराना, बाबा रामदेव जी हैं 55 और 60 साल के। आज जहां पर योगा का नाम आता है, वहां पे साथ में योग गुरु की तरह बाबा रामदेव जी का नाम आ जाता है। कारण क्या है बताऊं? दोस्तों, योगा जो इतना पुराना है ना, वो आज तक क्या हो रहा था कि उसको ना बड़े लेवल पे प्रचार किसी ने नहीं किया था। लेकिन बाबा रामदेव जी ने क्या करा कि बड़े बड़े स्टेडियम बुक करवाए, जैसे दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम, और भी इंडिया में बहुत सारी जगह, वहां पर उन्होंने करा क्या कि किसी 10, 20, 50 को नहीं, 1000, 2000 और 5000 लोग वहां पर आए, और उन्होंने वहां पर उनको योगा सिखाया। उस योगा सिखाने का
जो प्रचार है वो मीडिया में भी किया गया, यानी कि उसकी डीवीडीज भी बनाई गई, उसकी सीडीज भी बनाई गई, वो मीडिया में भी आया, टीवी में भी आया। जब ये सब कुछ हुआ तो बाबा रामदेव जी को एक नाम मिल गया, योग गुरु। यानी कि योगा सिखाने वाले तो एक नहीं, सौ नहीं, एक हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हैं, लेकिन प्रचार किसने करा? प्रचार किसने करा? और जिसने प्रचार अच्छा करा वही कामयाब हुआ, उसी को कामयाबी हासिल हुई और वही उस लेवल पे पहुंचे। दोस्तों, जब आपने अपनी 2, 4, 10 सेल्स कर ली डायरेक्टली, उसके बाद आपका सबसे बड़ा काम होता है प्रचार करना, यानी कि प्रमोशन करना। आज की डेट में अगर किसी भी बिजनेस की मैं बात करूं तो वहां पे प्रमोशन ही सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। आज अमिताभ बच्चन आते हैं टीवी पे तो वो करते हैं कि ये नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, दुनिया का सबसे छोटा एसी, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? कोई भी जो टीवी पे आ रहे हैं, अगर शरण है बच्चन आ रही है, वो कह रही है कि मेरी खूबसूरती का राज ये लक्स साबुन, वो क्या कर रही है? वो भी प्रचार ही कर रही है, वो प्रमोशन ही कर रही है। दोस्तों, यहां से जो प्रमोशन की जो जीत है, यहां पे जो आपका अगला काम है वो है प्रमोशन। प्रमोशन किन चीजों की, प्रमोशन किन चीजों की, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रमोशन आपके सेमिनार्स की, प्रमोशन आपकी ट्रेनिंग्स की, प्रमोशन आपके इवॉल्व की, आपके टूल्स की। अब ये क्यों जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने यही बिजनेस प्लान जो अभी अजय पिल्ले जी ने बताया, अगर आप किसी के घर में जाके अकेले बता सकते हैं क्या उसको वो इफेक्ट आ सकता है? लेकिन वही चीज अजय पिल्ले जी ने यहां पर बताई तो उसका इफेक्ट क्या है? उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। वही प्लान अगर आप सेमिनार हॉल के अंदर लेके जाके दिखाते हैं किसी गेस्ट को तो वो ज्वाइनिंग पक्की होती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छा प्लान तो अभी किसी को बताना आता ही नहीं, और आप खुद जाते हैं किसी के पास और वहां पे यही प्लान उसको बताते हैं तो फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप उसके घर से उसको लेकर सेमिनार हॉल में आ जाते हैं, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने गेस्ट को लेकर उसके घर से लेकर सेमिनार हॉल तक ले आते हैं तो आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर उसके घर में जाके आप उसको खुद ही समझाना शुरू कर देते हैं तो आप फेल होने के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आपको उसको कुछ सिखाना है कि काम कैसे करना है, अगर आपने उसको बताना है कि सिक्योर लाइफ क्या है, तो उसको उसकी जगह से उठा के इवॉल्व में, जो कि आज चल रहा है, यहां पर लेकर आना होगा, तभी उसको सिस्टम समझ में आएगा। आज जो यहां पर बातें हुई हैं, क्या किसी के घर पे जाके समझाई जा सकती है? नहीं समझाई जा सकती। उसको लेकर आपको यहां पर आना है। अगर उसको बड़ी पिक्चर दिखानी है, अगर आपने उसको बताना है कि क्या है सिक्योर लाइफ, तो उसको उसकी जगह से उठा के सक्सेस डे में लेकर आना होगा। ये सक्सेस डे क्या है? सक्सेस डे आज तो इवॉल्व है, हमारे यहाँ पे कुछ 1000-1100 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सक्सेस डे हमारा जो नेक्स्ट है वो 31 जनवरी और 1 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में है। कुछ 5000 से ज्यादा लोग वहां पर होंगे और वहां पे सिक्योर लाइफ में उन लोगों को प्रमोशन दी जाएगी, उन लोगों को सम्मान दिया जाएगा। मैं कुछ उनके बारे में आपको बता ही देता हूँ। एक मित्र सुनील मान है हमारे टीम में, जिनका की 50,000 का टीम साइज पूरा हो चुका है, उस दिन उनकी वीनस की प्रमोशन है। एक